सीयूटी स्पेशल सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम उन प्रश्नों को देखेंगे जो आपके परीक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? ए 28 अगस्त, बी 29 अगस्त, सी 30 अगस्त, डी 31 अगस्त। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी 29 अगस्त। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हर वर्ष आज यानी 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। बता दें कि यह दिवस हॉकी के दिग्गज खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान कब शुरू किया गया था? ए वर्ष 2020, बी वर्ष 2021, सी वर्ष 2022, डी वर्ष 2023। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी वर्ष 2022। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान वर्ष 2022 में शुरू किया गया था। यह वर्ष 2025 तक टीबी उन्मूलन की दिशा में देश की प्रगति में तेजी लाने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की एक पहल है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने राज्य संस्कृत विद्यालयों के सभी छात्रों को छात्रवृत्ति देने का निर्णय लिया है? ए बिहार, बी राजस्थान, सी झारखंड, डी उत्तर प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी उत्तर प्रदेश। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के 500 से अधिक संस्कृत विद्यालयों में पढ़ने वाले सभी छात्रों को छात्रवृत्ति देने का निर्णय लिया है। अगला प्रश्न है, वक्फ अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष लागू किया गया था? ए वर्ष 1989, बी वर्ष 1992, सी वर्ष 1995 या डी वर्ष 1998। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी वर्ष 1995। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। वक्फ अधिनियम वर्ष 1995 में लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, महिला समानता दिवस कब मनाया जाता है? ए 26 अगस्त, बी 27 अगस्त, सी 28 अगस्त, डी 29 अगस्त। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए 26 अगस्त। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। यह दिवस प्रतिवर्ष 26 अगस्त को मनाया जाता है। यह दिन महिला अधिकार कार्यकर्ताओं की उपलब्धियों का जश्न मनाता है और हमें उन अनोखे दैनिक संघर्षों की याद दिलाता है जिनका सामना महिलाएं करती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से टेलीग्राम के सीईओ कौन है? ए पावेल डुरो, बी सुंदर पिचाई, सी भावेश अग्रवाल, डी एलन मस्क। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए पावेल डुरो। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। टेलीग्राम के सीईओ पावेल डुरोव को पेरिस के बाहर एक हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया गया और मैसेजिंग ऐप से संबंधित कथित अपराधों के लिए हिरासत में रखा गया। पावेल डुरोव का जन्म रूस में हुआ था। अगला प्रश्न है, सुभद्रा योजना किस राज्य से संबंधित है? ए राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी तमिलनाडु, डी ओडिशा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी ओडिशा। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में ओडिशा के मुख्यमंत्री ने राज्य विधानसभा में महिला सशक्तिकरण के लिए सुभद्रा योजना को मंजूरी देने की घोषणा की। इसका उद्देश्य यह राज्य में महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगा और महिलाओं में आत्मनिर्भरता लाएगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री जन धन योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? ए 2014, बी 2015, सी 2023, डी 2024। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए 2014। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। इसकी शुरुआत 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी। यह वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन पहलों में से एक है। इसका उद्देश्य भारत में प्रत्येक परिवार को बुनियादी बैंकिंग सेवाओं तक पहुँच प्रदान करना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने लद्दाख में कितने नए जिलों की घोषणा की है? ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 5। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हालिया खबरों के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लद्दाख में 5 नए जिले बनाने की घोषणा की है।
जिसमें जांस्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग शामिल है। इस कदम का उद्देश्य सार्वजनिक सेवा वितरण में सुधार करना है। अगला प्रश्न है, झाबुआ का घना वन हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? ए पानीपत, बी रेवाड़ी, सी झज्जर, डी महेंद्रगढ़। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी झज्जर। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। झाबुआ का घना वन हरियाणा के रेवाड़ी जिले में स्थित है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। निम्नलिखित में से किस राज्य ने फसल अवशेष प्रबंधन योजना के लिए रूपरेखा विकसित की है? ए पंजाब, बी हरियाणा, सी उत्तर प्रदेश, डी उत्तराखंड। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।